ये नीचे क्यों देख रहा है इसको, बोलो ना ऊपर देखे, ये नीचे देख रहा है ऊपर, बोल ऊपर हो जाए सर, कर ले भाई। अरे यार भैया क्या फोटो खिंचाने मजा आ रही है भैया, एक मिनट ना चल 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 भैया आओ जी। अरे पीछा हो यार, फोटो खींच के दो, चल फोटो खींच के मेरे मोबाइल की क्लैरिटी देख, तेरे मोबाइल की क्लैरिटी देख। दादा थोड़ा पीछे आओ ना, थोड़ा कमरा छोटा पड़ गया बराबर, और बड़ी है पीछे भी उसको आगे लाओ ना, पीछे वाले को आगे लाओ। अरे दूध छोड़ दे, सामने देख भाई, अरे यार सामने देख ना, सामने देख भाई, अब क्या छुपा। देखिए जैसा आप सभी के नॉलेज में है, पिछले कुछ समय से इनफैक्ट पूरी सर्दियों से ही लगातार कुछ ना कुछ नकबजनी की वारदात हर दूसरे तीसरे दिन हो रही थी यहाँ पर। उसको ध्यान में रख कर के जो जिले की स्पेशल टीम है वो और जो कंसर्निंग थाने हैं उन सभी को इस बात के लिए लगातार निर्देशित भी किया जा रहा था और टीम बना करके लगाया जा रहा था। पिछले कुछ दिनों में जो प्रयास हुए हैं उन प्रयासों का नतीजा ये है कि हमने एक बहुत ही बड़ी गैंग जो कि लगातार वारदातें कर रही थी उसको पकड़ने में सफलता हासिल की है। उसके तीन अभियुक्त जो कि बहुत ज़्यादा वारदातें पहले भी कर चुके हैं वो हमारी गिरफ्त में आ चुके हैं। इस पूरी गैंग में दो लोग हैं नाबालिग भी हैं जिनको निरुद्ध किया गया। जिन लोगों को हमने गिरफ्तार किया है जो बालिग हैं उनके नाम है, एक तो राहुल है, दूसरा रोशन और तीसरा नितेश। ये तीन लोग हैं जो पहले भी वारदातें करते रहे हैं और इस बीच उन्होंने लगभग दो दर्जन से अधिक वारदातें की हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया है। इन वारदातों के खुलासे के लिए हमने आपको यहाँ पर बुलाया है। ये सभी जो वारदातें हुई हैं इन वारदातों के क्रम में अब इन लोगों को पीसी रिमांड वगैरह लिया जा करके अन्य आगे की इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाइयाँ की जाएंगी। वारदात का तरीका, देखिए वारदात का तरीका वही है, रात में सुनसान मकान को ढूंढना और उसके बाद में उसके ताले तोड़ करके नकबजनी की वारदात को अंजाम देना। खासकर ये स्थानीय है या बाहर के? स्थानीय लोग ही है, यही के लोग हैं। इसके अलावा भी कई चोरियां हुई है आपके एसपी के बाहर भी जो है, पीछे भी चोरी की वारदात हुई है, उसमें क्या अपडेट है सर, प्लीज इससे संबंधित है इसके? अगर आप केबल वाली वारदात की बात कर रहे हैं वो अलग गैंग है। केबल वाली वारदात में जो मोडस ऑपरेंडाई है उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि रात में पुलिस ने इंटरवीन किया था, जो लोग वहां पर वो कार्य कर रहे थे उनसे पुलिस का सामना भी हुआ, पर पुलिस को नॉर्मली क्योंकि कहीं ना कहीं पर इस तरह के काम चलते रहते हैं रात में, कभी सीवर लाइन का काम, कभी तारों को डालने का काम, तो एक कागज उन्होंने दिखा दिया कि यहाँ काम चल रहा है, पुलिस को लगा कि कोई काम चल रहा है, इसलिए पुलिस ने ज़्यादा उसमें इन्वेस्टिगेट नहीं किया। उस वारदात को देखते हुए हमने सभी थानों को यह मैसेज किया है कि रात में कहीं पर भी कोई काम थाने को पहले से सूचना दिए बिना नहीं किया जाए। उसमें अगर हम वारदात के खुलासे की अपडेट की करें तो हम लोग लगातार, हमारी टीम लगी हुई है, हमारे पास में कुछ क्लूज हैं उस पर हम काम कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं जल्दी वारदात खुली जाए। क्या लगता है चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि एसपी के पास या थाने के पीछे चोरी की वारदात करने से नहीं चूके? देखिए हौसलों का तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, वारदात जो भी कोई कर रहा होता है वो अपनी तैयारी करता है, वो चीज़ें देखता है। जैसा कि मैं पहले ही आपसे कह रहा हूँ कि रात में काम करने की जो परंपरा है उस परंपरा का कहीं ना कहीं उन्होंने मिसयूज किया है। हम सभी जानते हैं दिन में सीवर लाइन का काम करना हो या ब्रॉडबैंड का काम करना हो उससे ट्रैफिक को बहुत डिस्टर्बेंस होता है, तो काम करने वाले भी दिन में काम करने में कंफर्टेबल नहीं होते, इसलिए वो रात का समय चुनते हैं। ये वैधानिक काम करने वालों की बात कर रहा हूँ मैं, उस चीज़ का फायदा उठा करके चोरों ने ये प्लानिंग की होगी निश्चित रूप से कि रात में हम अगर ऐसा कोई वारदात करते हैं तो जो काम चल रहे होते हैं उन कामों की आड़ में पुलिस हमें रोकेगी नहीं, उसका उन्होंने फायदा उठाया निश्चित रूप से। हमने उसको ध्यान में रखते हुए बकायदा नए निर्देश जारी किए हैं
कि रात में वहीं पर काम हो, जो लोग पहले पुलिस को आकर बता दें दिन में कि साहब हम फलाने डिपार्टमेंट से संपर्क करते हैं और हम ये काम रात में करेंगे, और पुलिस उसको वेरीफाई कर ले तभी उन्हें अलाउ करें। तो आप जिस भी एंगल से उसे देखना चाहें, पर मैं यही कहूँगा कि निश्चित रूप से व्यवस्था में एक खामी थी जिसका फ़ायदा उन्होंने उठाया है, और उस खामी को दूर करके हम आगे ऐसा नहीं हो इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं।